सितार के तार को आघात करने से तार कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार के कंपन को आंदोलन कहते हैं। नियमित और स्थिर आंदोलन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को नाद कहते हैं, जबकि ध्वनि की कुछ समय तक कंपन होते रहने पर जो स्थिर आंदोलन होता है और उस ध्वनि की कंपन समान गति वाली होने से नियमित आंदोलन कहते हैं और स्थिर और नियमित आंदोलन से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे संगीत में नाद अथवा स्वर कहते हैं। नाद का ऊंचा नीचापन, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति अथवा गुण, नाद की ऊंचाई निचाई आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। अधिक आंदोलन संख्या वाला नाद स्वर ऊंचा होता है और कम आंदोलन संख्या वाला नाद नीचा होता है। जैसे शरीर की आंदोलन संख्या 240 है और मध्यम की आंदोलन संख्या 320 है, इसलिए मध्यम षड़ स्वर से ऊंचा हुआ। नाद की जाति अथवा गुण, नाद की को धीरे से उच्चारण जब किया जाता है तो वो कुछ थोड़ी दूर तक सुनाई देता है और अगर ज्यादा जोर से नाद का उच्चारण किया जाए तो वो काफी दूर तक सुनाई देता है, इसलिए ये गुण हुआ नाद का छोटा बड़ापन। नाद की जाति अथवा गुण, हर एक सार का नाद की जाति का गुण अलग अलग होता है। जैसे सितार, वायलिन, सरोद, हारमोनियम, इन स्वरों का आपसी जो संबंध है वो अलग अलग होता है। इनमें जो नाद की जाति है वो उसका मुख्य कारण है। नाद की जाति के कारण ही ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। श्रुति सबसे सूक्ष्म ध्वनि जो मधुर ध्वनि कानों को सुनाई जाए उसे श्रुति कहते हैं। जिस प्रकार नापने में मिलीमीटर, सेंटीमीटर या प्रति मिलीमीटर जो पैमाना है वो प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार स्वर में श्रुति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तो मुख्य सात स्वर हैं, सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागारिसा, लेकिन श्रुतियां 22 हैं। 22 श्रुतियां तो इस प्रकार शास्त्रों में माना गया है कि उसके एक दोहे के आधार पर, शिरोह के आधार पर ऐसे है कि चतुष चतुष चतुषैव षड्ज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ देवता, अर्थात सा मा पा की चार चार श्रुतियां, रे धा की तीन, गा और नी की दो दो श्रुतियां मानी गई हैं। अधिक समय में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया है, जैसे पहली श्रुति पर सा, पंचमी श्रुति पर रे, आठवीं श्रुति पर गंधार, दसवीं श्रुति पर मध्यम, चौदहवीं श्रुति पर पंचम, अठारहवीं श्रुति पर धैवत और 21वीं पर निषाद। विकृत स्वर एक शब्द में सात मुख्य श्रुतियों अर्थात शुद्ध स्वर पांच हैं और उनमें जिसका महत्व मुख्य सात स्वरों में तथा शेष 10 श्रुतियों से अधिक है। शास्त्रों ने उन पांचों श्रुतियों को विकृत स्वर के नाम से पुकारा है। इनमें से चार श्रुतियां अपने पास के स्वरों से नीचे थी और केवल एक ऊंचा प्रथम को कोमल विकृत स्वर और द्वितीय को तीव्र विकृत स्वर कहते हैं, अर्थात साध शुद्ध पांच स्वर कोमल और तीव्र, चार कोमल और एक तीव्र, इस तरह 12 स्वरों का प्रयोग मान। और अब गाते बजाते समय गायन या वादन को किसी एक स्वर पर बहुत समय तक नहीं ठहरना पड़ता, बल्कि उसके ऊपर नीचे
चढ़ना उतरना पड़ता है, इसी को संगीत में अरोह अवरोह कहते हैं। अब अरोह का मतलब है जाना, अवरोह का मतलब वापस आना। जैसे सारे गामा पाला निशा अरोह है, सानी धापा मागर का अवरोह है। सप्तक, सप्तक सुरों को, सात सुरों के समुदाय को सप्तक कहते हैं। इसमें सा से जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, स्वरों की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा गा, गा से ऊंचा मा, मा से ऊपर पा, पा से ऊंचा धा, क्रमशः इसी प्रकार। सप्तक के तीन प्रकार हैं, मंत्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तीन सप्तक से अधिक सप्तक भी हो सकते हैं, किंतु केवल तीन सप्तक इसलिए माने गए हैं कि गायन वादन, गायन वादन में साधारणतः आमतौर पर तीन सप्तकों से अधिक स्वरों की आवश्यकता नहीं होती। पूरे तीन सप्तकों के स्वर को प्रयोग करना सरल काम नहीं है। गायन वादन का अधिकांश भाग जिस सप्तक में होता है उसे मध्य सप्तक कहते हैं। ये मंत्र सप्तक से दुगुना ऊंचा होता है। इसी प्रकार तार सप्तक मध्य सप्तक का दुगुना ऊंचा होता है। प्रत्येक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध, 5 विकृत होते हैं। सा रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा पंचम, धेवत कोमल, धेवत शुद्ध, निषाद कोमल और निषाद शुद्ध। इसी प्रकार का प्रयोग स्वरों का होता है। पकड़, ये छोटा सा स्वर समुदाय जिससे केवल किसी राग का बोध होता है उसे उस राग की पकड़ कहते हैं। स्वयं पकड़ शब्द से स्पष्ट है कि जिसे किसी राग को पकड़ा जा सके, अर्थात पहचाना जा सके। उस उदाहरण के तौर पर गा गा मा ध ध प गा मा रे सा, केवल भैरव का बोध होता है और इसकी पहचान होती है, इसीलिए इसे भैरव राग की पकड़ कहते हैं। वक्र स्वर, गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग पाठ ना होकर टेढ़ा मेढ़ा हो उसे वक्र स्वर कहते हैं। और हो अथवा अवरोह में जब किसी स्वर तक पहुंचकर पीछे लौट आते हैं और फिर से आगे बढ़ने के लिए उस स्वर को छोड़ देते हैं उसे वक्र स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए रे गा मा गा पा, रे गा मा गा पा स्वर समुदाय में मध्यम स्वर वक्र है। अलाप, राग के नियमों की रक्षा करते हुए विलंबित लय में राग के स्वरों को विस्तार करने को अलाप कहते हैं। अलाप से खूबसूरती के लिए आवश्यकता अनुसार कण, खड़का, मुरकी, गमक आदि का प्रयोग करते हैं। गायन में अलाप दो प्रकार से होता है, आकार में और नोम तोम में। अधिकतर नोम तोम का अलाप ध्रुव धमार में अथवा आकार का अलाप ख्याल में किया जाता है। नोम तोम का अलाप गीत से पूर्व विस्तार में किया जाता है। उसे मोटे तौर पर 4 भाग होते हैं, स्थाई कालाप, अंतरा, संचारी और अभोग में बांट दिया जाता है। संचारी भाग से अलाप लयबद्ध हो जाता है, उसकी लय धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। अभोग में जिस समय अलाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है थोड़ी देर के बाद उसे समाप्त कर दिया जाता है। सितार में नोम तोम के अलाप का रूप उतारा जाता है, अकार का अलाप ख्याल के पहले और गाने के बीच बीच में किया जाता है। कुछ गायक गीत के पूर्व थोड़ी
थोड़ा आलाप करते हैं और कुछ विस्तार में गीत अथवा गत के बीच आलाप अपेक्षा कृत छोटा होता है और क्रमशः कई भागों में बड़ा रहता है। प्रत्येक भाग के बाद गीत अथवा गत का मुखड़ा पकड़कर सम से मिल जाते हैं। दोनों प्रकार के आलाप में राग का स्वरूप, चरण, अरोह, अवरोह, पकड़ और न्यास के स्वर आदि का ध्यान रखते हुए विस्तार करते हैं। गायन में गीत के शब्दों को लेकर अलाप करने की क्रिया को बोल अलाप कहते हैं। तान और तोड़ा, द्रुत गति में राग के स्वरों को आकार में बोलने को तान कहते हैं। इन्हें स्वरों को सात स्वरों आदि तंत्र वादों में बजाने को तोड़ा कहते हैं। अलाप और तान में केवल गति का अंतर होता है, अन्यथा दोनों समान है। तान अथवा तोड़े के कई प्रकार हैं, पाठ, चूट, अलंकारिक, मिश्रित तान आदि। कान और मुर्गी, गाते बजाते समय जब हम आगे अथवा पीछे के स्वरों को स्पर्श मात्र स्पर्श करते हैं और उसे स्पर्श करने को कण कहते हैं। कण को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। कण स्वर का मुख्य दो प्रकार होते हैं, पूर्व लगन कण और अनुलगन कण। प्रथम प्रकार के कण स्वर का प्रयोग मूल स्वर से पहले बजाया जाता है, कुछ प्रकार में मूल स्वर के बाद बजाया जाता है। मुर्की, ये भी एक प्रकार का कण है। इसमें तीन स्वरों के द्रुत प्रयोग द्वारा अर्ध वृत्त बनाते हैं। कंपन सितार के तार को आघात करने से तार के अपने नियम स्थान से ऊपर नीचे किया जाता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। थोड़ी देर बाद तार अपने स्थान पर पहले समान पहली जगह पहुंच जाता है और ध्वनि समाप्त हो जाती है। तार की इस क्रिया को कंपन कहते हैं। संगीत में कंपन को आंदोलन कहते हैं। किसी स्वर को एक स्थिर ठीक मीन, किन्हीं दो स्वरों को टूट बजाना मीड कहलाता है। सितार में एक पर्दे पर अंगुली रखकर तार खींचते हैं और बीच के स्वरों का स्पर्श तो होता है किंतु वे पृथक सुनाई नहीं पड़ते। देखने में स्वर के ऊपर दिखने के लिए स्वर के ऊपर चंद्र आकार का एक लाइन खींची जाती है जिसे दिखाया जाता है कि मीड है। जैसे सा और मा के ऊपर लाइन लगाएं चंद्रकार की, तो ऐसे होता है सा से मा की मीड का बोध होता है। तो इसी प्रकार गमक इत्यादि स्वरों का प्रयोग सितार में किया जाता है। वादी स्वर, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है अथवा गायन में अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाए और बार बार प्रयोग किया जाए उसे राग का वादी स्वर कहते हैं। जैसे राग उपाली में वादी गंधार और समाधि क्षण, तो उसी में आप गंधार को ही बार बार प्रयोग करेंगे। जैसे सरे गा पा धा सा सदा पा गाय पा गाय रे गा रे सा गा पा धा पा गा गाय रे गा स गा रे धा सरे गा पा गाय रे सा। संवादी स्वर वादी से
कम प्रयोग होता है, यानी कि उस पर वाद्य स्वर से कम उसमें ठहराव होता है। प प ग प द प ग रे ग प ग रे ग प द स ग प ग ग रे स प ग रे ग रे ग प द ग प ग रे स प।